तो वैसे तो हमारा ये फायर टीवी स्टिक एक बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रीमिंग डिवाइस है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी की सभी पॉपुलर एप्स देखने को मिल जाती है, लेकिन आप इस डिवाइस पर गेमिंग भी कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम इस थर्ड जनरेशन फायर टीवी स्टिक का गेमिंग रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन सा गेम पैड हमारे फायर टीवी स्टिक के साथ में कंपैटिबल है। तो यहाँ पर मैंने अपने इस थर्ड जनरेशन फायर टीवी स्टिक को अपने iPhone 10 टीवी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऐप स्टोर पर हमें काफ़ी सारी गेम्स जो है वो इंस्टॉल करने को मिल जाती है। वैसे तो आप इसके साथ में आए हुए इस रिमोट कंट्रोलर के थ्रू ही फायर टीवी स्टिक पर गेमिंग कर सकते हो, लेकिन बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक वायरलेस गेम पैड का यूज़ कीजिए। और हमारे फायर टीवी स्टिक के साथ में ये सैमियो का SG27 गेम पैड फुल्ली कंपैटिबल है। और यदि तो आप इस गेम पैड को खरीदना चाहते हो तो इसके लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और यदि तो आपके पास एक नॉर्मल वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर है तो उसे भी आप अपने फायर टीवी स्टिक पर कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए होगी एक OTG स्प्लिटर केबल। और किस तरह से आप अपने नॉर्मल USB वायरलेस रिसीवर वाले गेम पैड को अपने फायर टीवी स्टिक के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो मैंने अपने इस सैमियो के SG27 गेम पैड को फायर टीवी स्टिक के साथ में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लिया है और सैमियो का ये गेम पैड हमारे फायर टीवी स्टिक के साथ में एज अ फायर टीवी कंट्रोलर रिकॉग्नाइज होता है। तो चलिए मैं जल्दी से अपने इस फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन पर आपको एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। और सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले करेंगे इस एसवोल्ट 8 गेम को। ये गेम हमारे फायर टीवी स्टिक के ऐप स्टोर पर सबसे हैवी गेम है और यहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे भी इस गेम को देखकर आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे इस फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन पर हमें किस तरह की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर गेमिंग करते वक्त हमें बिल्कुल भी कोई भी फ्रेम ड्रॉप या लैग देखने को नहीं मिलता और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें Vivo 4K पर देखने को मिली थी बिल्कुल उसी तरह की परफॉर्मेंस हमें इस फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन पर मिलती है। हमारा ये वाला फायर टीवी स्टिक जो है वो प्रीवियस जनरेशन फायर टीवी स्टिक से काफ़ी पावरफुल है। इस पर हमें 1.7 GHz का प्रोसेसर मिलता है, हालांकि रैम इस पर 1 GB की ही है, लेकिन इस बार यहाँ पर DDR4 RAM दी गई है। तो ऐसे में बढ़िया प्रोसेसर और DDR4 RAM होने के कारण इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू मी टीवी स्टिक काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। हालांकि आप इस पर अपने नॉन ब्लूटूथ गेमिंग कंट्रोलर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि रेड गियर प्रो और कॉस्मिक बाइक नेबुला गेम पैड्स के साथ में भी ये काम कर जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से OTG स्प्लिटर केबल चाहिए होगी। लेकिन यार मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, यदि तो स्पेशली आप अपने फायर टीवी स्टिक पर कुछ इस तरह की गेमिंग करना चाहते हो तो आप ब्लूटूथ गेम पैड की तरफ ही जाइए, क्योंकि ये गेम पैड हमारे फायर टीवी स्टिक के साथ में फुल्ली कंपैटिबल है और सैमसंग का ये SG27 गेम पैड हमारे फायर टीवी स्टिक के साथ में बिल्कुल अच्छे से काम करता है। उसके अलावा आप अपने फायर टीवी स्टिक के साथ में आए हुए इस रिमोट के थ्रू भी गेमिंग कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ इस अल्फा गन्स 2 गेम को, जो कि हमारे फायर टीवी स्टिक के साथ में आए हुए रिमोट के थ्रू भी बिल्कुल अच्छे से काम करती है। तो ओवरऑल हमारे फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन पर हमें काफ़ी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है और जिस तरह से सभी ऐप्स हमारे फायर टीवी स्टिक पर लैग फ्री काम करती है, बिल्कुल उसी तरह से ही गेमिंग परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलती है। और ये तो इस प्राइस रेंज में आने वाली बाकी डिवाइसेज के साथ में मैं इसे कंपेयर करूँ, जैसे कि मी टीवी स्टिक, तो हमारे इस फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन की गेमिंग परफॉर्मेंस मी टीवी स्टिक के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। और यदि तो आप इस फायर टीवी स्टिक का कंप्लीट रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस फायर टीवी स्टिक के साथ में कंपैटिबल ब्लूटूथ वायरलेस गेम पैड का लिंक भी आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। और यदि तो आप इस फायर टीवी स्टिक के रिलेटेड मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या फिर मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हो। और आपको इस फायर टीवी स्टिक की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।